हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर्स ऑफ खान। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होगे। तो आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ शबे बारात का। तो शबे बारात के दिन हम लोग क्या कर रहे हैं सुबह से लेके अभी शाम तक का पूरा कब्रस्तान का व्लॉग पूरा यही व्लॉग में होगा। तो चलिए मेरे साथ इस शबे बारात की प्रिपरेशन देखते हैं कि मेरे घर में कैसी हो रही है। तो अभी जस्ट मैं हॉल में था, मैंने खीर रखा हो, तो चलो बैक कैमरा करके अपन चलते किचन की तरफ। गाइस, किचन की तरफ हम आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी देखो खीर की प्रिपरेशन चल रही है, जो खीर मेरी ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई है। एकदम सुपर्ब खीर है ये, ओवरलोडेड ड्राई फ्रूट वाली है। एंड साथ ही में हम लोग ने यहाँ पे बनाया है देसी मुर्गी का सुक्का, जो यूजुअली हमारे घर में ना शबे बारात के दिन यही बनता है। मेरे डैड को मीन्स बहुत पसंद है। एंड साथ में यहाँ पे है मटन का पुलाव, जो मटन के पुलाव का हम लोगों ने प्रिपरेशन करके रख दिया। अभी शाम में जब खाना रहेगा तभी हम पुलाव को रेडी करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मीन्स मेरी खीर भी हो गई है रेडी। सो बहुत क्रीमी है, बहुत टेस्टी लग रही है। तो ये है हमारा डिनर प्रिपरेशन, जो हम इफ्तार के बाद खाएंगे। बेसिकली आज सबका रोज़ा है। तो अभी चलिए देखते हैं, फिर मैं अभी इसके बाद बता दूँ कि आज शाम के कपड़े क्या है वगैरह। ठीक है, मिलते हैं गाइस। तो ये मेरा आज का आउटफिट है। तो आज शबे बारात के दिन में ये वाला कुर्ता एंड इसकी ये ब्लैक पैंट। तो इसी स्लीव्स देखो, ये स्लीव के ऊपर ये है एंड ये वाली स्लीव के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। तो ये पूरा हैंड वर्क एम्ब्रॉयडरी कुर्ता है। और तो चलिए फटाक से मैं जाता हूँ एंड मैं रेडी होके आपको बताता हूँ। गाइज, हम लोग नमाज पढ़ के आने के बाद मम्मी यहाँ पे फातिया दे रहे थे, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ फातिया में क्या क्या है। और मम्मी यहाँ पे फातिया दे रहे, जितने भी हमारे मरहूमीन लोग हैं उन लोगों के लिए फातिया दी है। और आही औलाद रसूलिल्लाह उमिन आमन्ना बेही वहब्बी बेही खलकाई बेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुहाजिरीन रहमतुल। तो गाइस, आप देखो खिजर की मस्जिद जा रही है। खिजर, हाथ बांध, फोल्ड कर हाथ। खिजर की मस्जिद देखो, इधर आवाज है, आवाज है, इधर आवाज है, आवाज है, इसको आवाज है, जल्दी दे। इधर मैं कौन हूँ? अभी खाना वाना सब हो गया है, अभी जस्ट हम लोग निकल रहे कब्रिस्तान के लिए। इतना बिजी शेड्यूल हो गया था कि मैं कुछ बता ही नहीं पाया। तो अभी जस्ट मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन देखा आप लोग पीछे देख सकते हो मेरे। मरीन लाइन पे उतरेंगे और मैं आप लोग पहले कब्रिस्तान का फिट। गाइज, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना बड़ा कब्रस्तान है। तो यहाँ पे कितने अच्छे से वेल डेकोरेट देखो, सब लोगों ने कवर किए थे। तो मैं बस, मेरा ये इतना मोटिव कि मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि कितना अच्छे से बड़ी रात सेलिब्रेट होती है बॉम्बे में। तो ये हर एक के कब्र के ऊपर सब लोगों ने अपनी अपनी लाइटिंग लगाए थे। और अब्बा भी आगे चलते हुए मैं उनके पीछे पीछे, मैं बोला कि आप लोगों के जो लेडीज़ लोग होते वो कब्रस्तान आ नहीं सकते, तो मेरा एक मोटिव यही था कि मैं उन लोगों को भी बताऊँ जो कितने ब्यूटीफुल सब कब्र थे। वही कब